अरे ससुरो, तुम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाकते। आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग मोदी जी से कभी पूछे 100 स्मार्ट सिटियां कहे नहीं बनाए मोदी, और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का अगर कोई सांसद काम करे, आपको दिक्कत आ गई और क्या? अमित शाह को निकम्मा बोला, हमारे गृह मंत्री को कोई निकम्मा बोलेगा तो हम शांत बैठेंगे? 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सांड और बैल की संज्ञा दोगे तो ये अपमान नहीं सहेगा भारत। रोज डिबेट होता है, हल्ला बोल ललकार देखते नहीं है आप? ललकार में क्या कहते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सिर्फ मोदी मोदी होता है भैया, और कुछ नहीं होता। बताइए, मीडिया चैनल है वो सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, उनकी तो 3 दवाई जूता चप्पल और कुटाई। अरे देश अगर मजबूत होता, आप लोगों को फक्र होना चाहिए अंबानी अडानी पे। अंबानी अडानी पे फक्र करिए, गाली देना बंद करिए आप लोग, अगर गुमराह हो चुके हैं। सुनो सत्ता के दलालों, हमारे साथ अनुराग ओझा हैं, जो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं हैं, जो अब पूरी दुनिया में देश में वायरल हो चुके हैं। लेकिन वायरल इसलिए हैं क्योंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर आग उगलते रहते हैं। अनुराग, आप खुश नहीं हैं? सरकार ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी है, किसानों की आय दोगुनी कर दी है, स्मार्ट शहर बना दिए हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है सबको, दिक्कत क्या है भाई? कहाँ पे मिल रहा है ये सारी सुविधाएं, कहाँ दी गई है आप ये मुझे बताओ पहले। पूरे देश में किसानों की आय दुगनी हो गई, बिल्कुल दावा है उनका, काला कानून थोपा गया। दूसरी बात, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ पे बने आप बताओ, बना कहीं? एक आद का नाम बता दो कि कौन सा भाई बन गया। वाराणसी 100 बताओ ना, एक से क्या होगा 100? वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, 3, 4, भोपाल, 5, ETC, 6, 94 अभी भी बाकी है भैया। ये सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं, इनको कुछ नहीं करना है। ये भी इनको, इनके जो बड़े लोग हैं उद्योगपति, वो कह रहे हैं 47 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार कर दें। अरे ससुरो, तुम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार नहीं कर पाए, तुम 40 की का खाक तैयार करोगे? ये सिर्फ वादा करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये पार्टी भ्रष्ट है, सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसका समापन भी कर देना चाहिए। आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। हम कहा राजनीति, हम भैया राजनीतिक नहीं है, पहले बता रहे हैं ना, हम आम आदमी में है, ना हम कांग्रेस में है, ना हम बीजेपी में है, हम किसी पार्टी में नहीं है, हम स्वतंत्र नागरिक हैं। जो मीडिया सबसे बड़ा देशभक्त है, मीडिया सत्ता की दलाली करता है। आप जैसे लोग दलाली करते हो भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप लोग मोदी जी से कभी पूछे 100 स्मार्ट सिटियां कहे नहीं बनाए मोदी जी? रोज सवाल पूछती है मीडिया, देखते हैं टीवी, आप अखबार पढ़ते हैं? अखबार में क्या दिखाते हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने फलाना कर दिया, मोदी जी ने धमाका कर दिया, मोदी जी ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने के बाद में हरी झंडी दिखा रहे, कहाँ दिखा दे भैया? तुम एक दिन भी शांत नहीं बैठ सकते? माँ से बड़ा है कोई? कोई माँ से बड़ा है आप बताइए? राष्ट्रधर्म निभा रहे हैं भाई, ये कौन सा धर्म है? पुत्र धर्म नहीं सही से निभा पाए, राष्ट्रधर्म क्या निभाओगे, राजधर्म क्या निभाओगे? यही होता है। अरे रामायण पढ़े हो, उसमें क्या लिखा हो, सुन जननी सुत उबड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचनों में अनुराग प्रेम नहीं कर पाया, वो राष्ट्र से क्या प्रेम करेगा भैया? जो अपनी माँ का नहीं हुआ, एक दिन का समय नहीं दे सकते थे? जब से मोदी सरकार आई है राष्ट्रवाद फैल चुका है देश में, कहाँ सो रहे हैं भाई अनुराग आप? कहाँ राष्ट्रवाद फैलाया बताओ, 2-3 जगह का नाम तो, कहाँ फैला हुआ है राष्ट्रवाद मुझे आप बताइए? आप अभी 1 महीने पहले बीजेपी का गुणगान करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ हृदय परिवर्तन कि आप बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने लगे? भैया देखो सोशल मीडिया, मीडिया जब हम फोन चालू करेंगे मोदी मोदी मोदी, अखबार देखेंगे मोदी मोदी मोदी, सोशल मीडिया पे मोदी मोदी, जब हमें चारों तरफ मोदी मोदी ही दिखाया जाएगा तो हम तो वैसे भी अभी हम 50 साल के थोड़ी हो गए हैं, अरे हमने तो मोदी मोदी ही देखा, तो मोदी मोदी ही गाएंगे। जब हमें पता चला वाकई में मोदी नाम का कुछ नहीं है, मोदी का मतलब होता है मिट जाना, ही मोदी वही है जो मिटा दे देश को। इन्होंने क्या कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, अब क्या कर रहे हैं? अरे भाई आप समझ नहीं पा रहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जानते हैं? हम नहीं जानते। पाकिस्तान पस्त हो चुका है, चीन थर थर कांप रहा है, टीवी देखा करिए। अरे टीवी पे, टीवी से तो मुंह से तोप दागते हैं, टीवी पे तो पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, टीवी पे तो ये भी दिखा दिया होगा 100 स्मार्ट सिटी भी बन गए, फलाना बन गया, धमाका बन गया, सिर्फ विज्ञापन जीवी हैं। और पत्रकार लोग जब तक दलाली करते रहोगे ना आप लोग, तब तक यहाँ का बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो क्या करें, दलाली छोड़ दें? दलाली छोड़ो और क्या भाई, तो मोदी जी के भक्त हैं। नहीं भक्त रहोगे, चाटुकार हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो। चाटुकारिता करेंगे, चाटुकारिता करोगे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। भारत देश को आगे बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन ले जाना है। अच्छा इनके जो एक जो इनके उद्योगपतियों कहते हैं 40 ट्रिलियन, ये लोग कहते हैं 5 ट्रिलियन, आप जैसे पत्रकार जो दलाली करते हैं भारतीय जनता के, वो कहते हैं 10 ट्रिलियन। समझ में ही नहीं आता है करना क्या चाहते हैं।
बेच क्यों रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं आप ये बताओ, क्या बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? लाल देश नहीं बिकने दूंगा, झुकने दूंगा। सुनो, जंगल दिया अडानी को, तेल हवा अंबानी को, लाल किला दिया डाल मिया को, और ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम आदमी की भी बारी है। ये अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और आप लोग अगर सत्ता की दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। ये तो भैया पहले चाय बेची, अब देश बेच रहे, बेचने वाला तो बेचेगा, चाय बेचते हमने नहीं देखा। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को क्या मानते हैं आप? हम तो नहीं कहते, वो भाई साध्वी में मानता ही नहीं। साध्वी जानते हो किसको कहते हैं? किसको, किसको बताओ, आप बताइए। जो भगवा वस्त्र पहने, जो रुद्राक्ष पहने, जो तिलक लगाए, यही और क्या, वो साध्वी है। बिल्कुल, तो जो साध्वी होगा वो चाकू छुरी की बात करेगा। सबसे बड़े भक्त तो हमें योगी जी लगते हैं। नहीं, योगी जी मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। साधु हो ही नहीं सकते, जो साध्वी होगा, साधु होगा, उसे राज सत्ता से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब ये लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर ये सत्ता में बैठे हैं तो साधु हैं, साधु हैं। नहीं बता, एक बात बताइए, सत्ता में किसकी वजह से बैठे हैं ये लोग? किसकी वजह से बैठे हैं आप बताइए, आप बताओ, मैं क्या बताइए? आपको इतना दुख है, तकलीफ है, तो आप बताइए ना। मेरी वजह से बैठे हैं? बिल्कुल, ऐसे लोगों को वोट आपने वोट दिया था, आपने 2014 में दिया, 2019 में दिया वोट, और 2020 में, 2022 में भी आपने बीजेपी को वोट दिया, दिया कि नहीं दिया? अरे सत्ता के दलालो, अभी मैं 19 साल का हूँ, अभी पहली बार मैंने सिर्फ प्रधानी के चुनाव में वोट दिया है। और आप 19 साल के हैं? हाँ, इतना आग उगलेंगे आप 19 साल में? अरे भाई, कहाँ से ट्रेनिंग ली है भाई आपने? जहाँ से गोबर भक्त लेते हैं, जहाँ से गोबर भक्त लेते हैं, किसी पार्टी में नहीं है, फिर कह रहे हैं। और एक बात और बता दें, 19 साल के हैं, प्रधानी का ही वोट डाला है, और 24 में देंगे तो आपको पता है उसको वोट दूंगे। एक तो ये कहता है जो प्रधानमंत्री हमारा है, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, तो कहते हैं लाल किला बेच दूंगा, हवाई जहाज बेच दूंगा, सब बेच देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे को वोट दूंगा जो कहे भारत माता की जय, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा, ऐसे को देना चाहिए, या फिर जो देश बेचे उसको देना चाहिए? आप लोग किसको? आजकल उमा भारती, वरुण गांधी बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, ये हिम्मत कहाँ से आ गई? हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे तो उनसे पूछो ना, हिम्मत कहाँ से आ गई? आप आजकल बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं तो पूछना चाहिए ना आप सवाल, जवाब दीजिए। आप कहना चाहते हैं कि हमको हिम्मत देने वाला कांग्रेस है, यही कहना चाहते हो ना? नहीं, आरोप है आप पर। अरे आरोप भैया कहें, आप किसी पार्टी से जुड़ गए हैं अब? अच्छा, तो आरोप तो साध्वी प्रज्ञा पे भी लगा था, क्या वो ठीक है, सही है? बोलिए, सही है तो बोलिए। क्या सही है? साध्वी प्रज्ञा पे जो बम का आरोप लगा था वो सही है? देखिए, मैं अदालत नहीं हूँ कि मैं सही गलत बताऊँ, आरोप आरोप। अच्छा, होता तो है। आप मुझे कांग्रेसी कहने वाले या जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं उनके पास प्रमाण पत्र है कि ये कांग्रेसी है? आप कांग्रेस की जुबान बोल रहे हैं। अच्छा, इसलिए लग रहा है। अच्छा, और ये जो अहिंसा की आवाज उठाता है, जो चाकू छुरी रखने की बात करता है, तो सीधे तौर पर भाई दंगाई है, सीधे तौर पर दंगाई है। जो मारकाट की बात करता है वो भाजपा ही नहीं, दंगाई, गिरफ्तार हो जाएंगी साध्वी? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी सरकार और अमित शाह जी के कानों में मेरी बात पहुंच रही हो, उन्होंने अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का काम करा है, जैसा के पापा को निकम्मा बोलने का काम अगर किसी सांसद ने करा है तो साध्वी प्रज्ञा है, क्योंकि प्रशासन किसके हाथ में, आप बताइए, बताइए। अरे सत्ता के दलालों कुछ आता जाता भी है? बिल्कुल आता, पूछिए, बताइए। प्रशासन, पूछिए, प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन सिविल सर्वेंट के हाथों में है। अमित शाह जी इसकी देख रेख करते हैं, नहीं करते हैं? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय में भी आते हैं लोग। हाँ। करते हैं, नहीं करते हैं अमित शाह जी? हाँ। और अमित शाह जी को निकम्मा बोलने का अगर कोई सांसद काम करे, आपको दिक्कत आ गई? और क्या, अमित शाह को निकम्मा बोला, हमारे गृह मंत्री को कोई निकम्मा बोलेगा तो हम शांत बैठेंगे? हाँ। अरे अगर कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का या और पार्टियों का होता ना तो ये लोग तो पता नहीं कहाँ भेज देते, जहाँ पे 2010 में कोई। यानी आप अमित शाह और पीएम मोदी के भक्त हैं, बाकी सबके खिलाफ? भाई मेरे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। अगर मोदी जी को कोई शेर बोलने का काम करेगा मैं उसके भी खिलाफ हूँ, और अगर मेरे माननीय गृह मंत्री जी को भी। 56 इंच का सीना है, शेर छोड़िए आप। 56 इंच का नाप के आए हो यार, वही बात आ जाती है फिर। 56 इंच का किसका होता है? सांड का होता है, बैल का होता है। और अगर आप मेरे प्रधानमंत्री को सांड और बैल की संज्ञा दोगे तो ये अपमान नहीं सहेगा भारत। कौन संज्ञा दिया? हम मुंह तोड़ के जवाब भी देना चाहते हैं, अगर मेरे प्रधानमंत्री को जानवर की संज्ञा दी तो हम मुंह तोड़ना भी जानते हैं। शेर है मोदी, शेर। अरे हम क्या कह रहे हैं सत्ता के दलालों, मेरे प्रधानमंत्री जी लोह पुरुष हैं, वो महापुरुष हैं। अगर उनको जानवर की संज्ञा देने की कोशिश करी तो ये भारत मुंह तोड़ जवाब। लौह पुरुष की संज्ञा एक ही व्यक्ति को मिली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहां से आते हैं आप? ऐसे तुलना नहीं कर सकते।
कहाँ से आते हैं, कहीं से भी आते, कहाँ से आते हैं, ये गांधी जी भी वहीं से आते हैं तो इनको राष्ट्रपिता की वैल्यू मिली। आप डबल गेम खेल रहे हैं अनुराग। मैं कौन सा डबल गेम खेल रहा हूँ? नहीं नहीं, आप मोदी जी हमारे अगर सम्माननीय प्रधानमंत्री है तो आपके पेट में दिक्कत क्यों है? हमें क्या दिक्कत है? फिर आप कहें हम तो सत्ता की दलाली करेंगे। सत्ता की दलाली करते रहोगे तुम भैया, करते रहोगे तुम मोदी जी को जानवर। हम आपकी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं कि किसी पार्टी के हाथों में खेलेंगे। अरे हम किसी पार्टी में नहीं है, फिर बोलते हैं भैया किसी पार्टी में नहीं है, हम राष्ट्रभक्त है। जो राष्ट्रभक्त होगा वही सवाल पूछेगा। तो बताइए मोदी जी ने जो वादा किया था 2022 तक पूरा हो गया? कुछ ना, कुछ नहीं पूरा किया, कुछ नहीं पूरा किया। झूठ बोल रहे हैं आप। तो बताइए ना भैया, तीन काम जो गरीबों के लिए। बुलेट ट्रेन देखी आपने कि नहीं? नहीं मैंने जो देखी है। मैंने बैठे हो? बैठे हो तो नहीं, कहे नहीं बैठे। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो अपने आका से बोलिए ना कि पैसा भिजवाए। आका है आपके मोदी जी, तो उनसे बोलिए ना। सत्ता की दलाली करने के लिए आपको पैसा मिलता है, भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए आपको पैसा मिलता है, तो बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए काहे नहीं मिलता है बताइए? सपना है, सपना बुलेट ट्रेन। सपना? सपना तो ये भैया एक और सपना थी, 2014 में आई थी वो। क्या मोदी जी एक सपने के रूप में आए थे? मैं तो कहता हूँ मोदी जी अगर 2014 से पहले का भाषण अपने सुन लेंगे ना, मौजूदा सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। मोदी जी ने सदन में कितनी बार माँ बोला है महंगाई का, आप बताओ, बोलो ना। भारतीय जनता पार्टी तथ्यात्मक क्यों जा रहे हैं? तथ्यात्मक कितनी बार बोला, कितनी बार पाकिस्तान को ललकारा, उससे क्या मतलब आप ललकारा? अच्छा इससे पहले कोई प्रधानमंत्री ललकारता नहीं था? जवानों, पाकिस्तान के जवानों का सिर काट के लाए हमारे जवान। कितने? बहुत सारे, 15 काटे। इससे पहले अगर हुआ था मुठभेड़, सर्जिकल स्ट्राइक किसी ने किया आज तक? देखो बताइए किसी ने किया? सुनो पहले सत्ता के दलालो, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जिनकी सरकार थी तुम कांग्रेसियों से पूछो कि किया कि नहीं, वो उनका फर्ज है, मैं क्यों बताऊँ किया ना किया, वो भाई वो जानते हैं। लेकिन मैं उपलब्धियों की बात कर रहा हूँ, 2022 उपलब्धियों भरा रहा है। कौन सा उपलब्धियों भरा रहा है बताओ तो? बता तो रहा हूँ आपको। स्मार्ट सिटी बनी नहीं बनी? G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, G20 की अध्यक्षता, देशद्रोहियों पत्रकारों, दुनिया के 20 बड़े अर्थव्यवस्थाओं की अध्यक्षता कर रहा है भारत। अरे कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ दलाली करते हैं बस। और आप जैसे पत्रकार भी इनकी दलाली करते रहते हो भैया, दलाली छोड़ो, सत्ता पक्ष से सवाल करना शुरू करो अगर भारत को बचाना चाहते हो। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि इनके साध्वी प्रज्ञा के कहने से, चाकू और छुरी से चलेगा। भैया देखो ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ बेचने का काम करेंगे। क्या बेचा? क्या बेचा? अभी बताया तो रेलवे बेच दिया। अगर जो भाई, अरे निजीकरण कहते हैं उसको, उसको निजीकरण कहते हैं भाई, क्यों आप जनता को गुमराह? पहले सुनो, उसको निजीकरण बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी मॉडल, पता है ना? देखो मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, प्राइवेट सेक्टर वाले अगर हर चीज प्राइवेट कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। और जैसे आप अगर जिसने रेलवे स्टेशन पे चाय बेची होगी वो रेलवे स्टेशन बेचने का काम करेगा? आप बताओ, जिसने दूध की बनी चाय बेची होगी तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। 2023 में एक और नारा आया है, 450 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, चलाई जाएगी। सो स्मार्ट सिटी सात हो गई है या आठ? सात हो चुकी है 2022 में। साल में 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए तो ये 200 का पार करेंगे, खाक सब करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, विजन लेके नहीं करेंगे, कुछ नहीं, इसलिए भरपूर वोट मिल रहा है। अरे कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू राष्ट्र कहाँ? मैनिफेस्टो में लिखा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लिखा था मैनिफेस्टो में कि हिंदू राष्ट्र बन। भक्त लोग बोल रहे हैं। अरे भक्त के कहने से आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे पहले चाटुकारो तुम हिंदू तो बन लो। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, कोई कहता है मैं शूद्र हूँ। पहले इनकी लड़ाई तो खत्म करो, हिंदू राष्ट्र तो बाद में बन जाएगा। जातिवाद की राजनीति घातक है या फिर धर्म की राजनीति? दोनों। ज्यादा कौन चल रहा है अभी? धर्म की राजनीति। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है आपको नहीं लगता? 2014 से ही हो रही है। 2014 से किसकी सरकार है भैया? इनको तो ये तो इनके एक नेता कहते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि ऐसी बानी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए और हिंदू मुस्लिम कटमरे सत्ता आपन होए। आप ब्राह्मण है, मुझे शक है, राम मंदिर बन गया आपको खुशी नहीं हो रही है, मुझे दुख है इस बात का। अच्छा दुख है आपका? अच्छा एक चीज बताओ, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर राम मंदिर बन गई वो तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उससे भाई बेरोजगार जो है उनको उससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा आप बताओ? दो फायदे गिनो उनको। बेरोजगार जाएंगे मूंगफली बेचेंगे, ठेला लगाएंगे, पकौड़ी तलेंगे, समोसा बनाएंगे वहाँ पर। भैया इसमें इनकी राजनीति, इसमें भी देश के लिए हम कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद, बस मोदी जी कहें हम खरीद लेंगे। कोई नुरवा कहे नहीं खरीद लेते हो, जो सोवित पात्रा ने कहा था वही खाना शुरू कर दो सत्ता के दलालो। तो सोवित पात्रा ने कहा मीडिया को गाली देना बंद करिए।
अच्छा। अपने गिरेवा में झांकिया। सत्ता की दलाली आप लोग बंद कर दो, मैं मीडिया को गाली नहीं दूंगा। बिल्कुल दलाली नहीं कर रहा। सत्ता की दलाली छोड़ो, बिल्कुल दलाली नहीं। एक चीज बताओ, जब महिला सशक्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, और लाल किला पे आके कहते हैं संस्कारी बता के छोड़ देते हैं, उस पर आपने कितनी बार सवाल पूछा? किसको संस्कारी? बिल्किस बानो वाले केस में आपने पूछा कभी सवाल? पूछा कभी आप? नहीं पूछा हमने। कितना पूछा आपने बताओ? रोज डिबेट होता है, हल्ला बोल ललकार देखते नहीं है आप? ललकार में क्या कहते हैं, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। हाँ। सिर्फ मोदी मोदी होता है भैया, और कुछ नहीं होता। नहीं मुझे भी मीडिया चैनल, एक बात बताइए, मीडिया चैनल हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, उनकी तो तीन दवाई जूता चप्पल और कुटाई। तो कुटाई करेगा कौन भैया? नारों से चलेगा सिर्फ। हम जनता हैं, और जनता जिस दिन जाग गई ना सही रूप से, जैसे आप कहते हो ना कुछ हिंदू जाग रहे हैं, और जो दिन सब जाग गए ना, उस दिन मीडिया अपने आप को सरेंडर कर देगी। प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, जो गलतियां हुई है मोदी से, मैं एक नहीं 1000 सवाल पूछूंगा। जो आजकल कहता है ना पूछता है भारत पूछता है भारत, उन पे आने वाले समय पे थूकता है भारत। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, ना जीऊंगा ना जीने दूंगा। इनका तो भैया गालियों से, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं नहीं कहता, प्रधानमंत्री जी कि मेरा पेट तो गालियों से भर जाता है। अरे उनका तो पेट गालियों से भर जाएगा, लेकिन मेरी थाली में रोटी तो आने दो माननीय प्रधानमंत्री जी। हम तो गाली से पेट नहीं भर सकते, हम तो थाली में भोजन खाएंगे उसके बाद में हमारा पेट भरेगा। आप गालियों से पेट भरते रहो, हमारी थालियों का रोटी मत छीनो। रविश कुमार मनुवादी हैं। मनुवादी हैं, और आप लोग कौन से? आप तो आतंकवादी हो फिर। कैसे कैसे? जो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते, हम तो भैया अगर आप उन्हें मनुवादी बोलते हो तो हम तो आपको आतंकवादी बोल सकते हैं। बताइए रविश कुमार ने, बताइए रविश कुमार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे कुछ बोला? बताइए जब ये बताइए बताइए। नहीं आरक्षण की, देखो आरक्षण की इन्हें कुछ लोग तो ऐसे हैं वो कहते हैं कि 5 किलो राशन मिलता रहे, आरक्षण मिले या ना मिले, उन्हें आरक्षण से मतलब नहीं है, वो 5 किलो राशन मिले उन्हें। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पड़े हैं, रेवड़ी तो देते हैं 5 किलो राशन के माध्यम से, और पेड़ा अपने दो साथियों को खिलाते हैं। कौन है दो साथी? आप नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं भाई। अंबानी और एक अडानी, यही इनके दो साथी हैं। अरे ये देश को मजबूत कर रहे हैं भाई, कौन आपको पढ़ा रहा है? कौन मजबूत कर रहा है भैया? अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दोनों की। अरे देश अगर मजबूत होता, आप लोगों को फक्र होना चाहिए अंबानी अडानी पे। अंबानी अडानी पे फक्र करिए, गाली देना बंद करिए आप लोग, अगर गुमराह हो चुके हैं। सुनो सत्ता के दलालो, अगर भारत मजबूत होता, विश्वगुरु बनने के कगार पे होता, तो भारत की संपत्ति ना बिकती। भारत की संपत्ति बेच बेच के ये 5-5 किलो राशन बांट देंगे, और जब सब बिक जाएगा, भारत में कुछ नहीं रह जाएगा, तब ये क्या देंगे? रेलवे को सरकार बेचती नहीं है, उसमें शेयर देती है, इससे अच्छे से संचालन हो प्रशासन। अच्छा तो LIC का है बेचा? चलो LIC बताओ। LIC का है बेचा, एयरपोर्ट का है बेचा, बैंक का है बेच दिए, MCD के स्कूल का है बेच दिए, बताइए आप का है बेचा? MCD के स्कूल तो दुनिया में नाम कमा रहे हैं, इसलिए बेच दिया। बताइए केजरीवाल, केजरीवाल ने क्या बोला? क्या बोला? कि वर्ल्ड क्लास स्कूल अगर कहीं दुनिया में है तो दिल्ली में। तो बिल्कुल है। हाँ। वो तो है, मैंने भाई दिल्ली के स्कूलों से शिक्षा पाई है। हाँ। मैं तो उसको मानने को तैयार हूँ, केजरीवाल जैसी शिक्षा कोई सरकार नहीं दे सकती, मैं तो कहता हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्या कहेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि सरकार ने हासिल की। सरकार ने कोई भी उपलब्धि हासिल क्यों, पहले सरकार की उस पे जाओ जो उनकी उपलब्धियां नहीं आई अभी तक। एक काम कर दे, मैं एक चाटा मार दूं, फिर बाद में करे अरे भैया कोई बात नहीं, चाटा ही तो मारा है, पांचों उंगलियां छप गई ना गाल पे, पांच काम इन्होंने एक काम कर दिया जी। गांधी जी ने कहा था कि जब आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, मतलब कि आपको हिंसा नहीं करनी है। और हम जिस जमीन पर खड़े हैं यहाँ पर, ये है राजघाट, और राजघाट है गांधी जी की समाधि। आपको लगता है कि इनटॉलरेंस जिसे कहते हैं असहिष्णुता बढ़ रही है? बिल्कुल। कैसे भैया? देखो गांधी जी ने क्या भी आपने बात बताई कि एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा दे दो, काहे दे दे भैया, वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया। अब तो कोई एक मारे ना तो चार मारो, हम तो कहते हैं जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। सच्चाई दिखाई जाती हो तो हमें बताओ ना। आप क्या मानते हैं सच्चाई? नहीं, सच्चाई नहीं दिखाई जाती। अखबार वाले, टीवी वाले, सोशल मीडिया वाले, यूट्यूबर वाले सब भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं। सोशल मीडिया वाले भी सब सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है? सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, वो आप तक ही सीमित है, लेकिन 90% सोशल मीडिया वाले दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी की।